दर्शकों, इस समय आप सभी के समक्ष जुड़ रहे हैं भारत भूटान सीमांत खोखला बस्ती क्षेत्र पासाका बॉर्डर से, जहां पे एक बार फिर से वही दृश्य देखने को मिल रहा है जो पिछले साल आप सभी को दिखाए थे। एक बार फिर से पासाका बॉर्डर पे एशियन हाईवे पे आप देख सकते हैं किस तरह से नदी बहता हुआ नज़र आ रहा है, और ये दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग साझा कर रहे हैं। एक बार फिर से खोखला बस्ती क्षेत्र के निवासियों के ऊपर खतरा मंडराने लगा है, और यहाँ पे पासाका क्षेत्र में भारत भूटान सीमांत जयगांव पासाका बॉर्डर पे आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क जो है पूरी तरह से नदी में तब्दील हो चुका है, और ये खतरे का निशान इस समय देखा जा रहा है भूटान के बॉर्डर खोखला पासाका बॉर्डर पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे स्थानीय निवासी यहाँ पे गांव में रहते हैं, काफ़ी सारे वाहन यहाँ से गुजरते हैं, भूटान में प्रवेश करते हैं, और इस क्षेत्र में एक बार फिर से संकट मंडराने लगा है जिसका दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग साझा कर रहे हैं। एक बार फिर से पासाका बॉर्डर पे भारत भूटान सीमांत जयगांव खोखला बस्ती पासाका बॉर्डर पे एक बार फिर से सड़कों पे नदियां बह रही हैं, और ये खतरे का घंटी बज रहा है, और सभी यहाँ पे चिंतित हैं। एक बार फिर से वही पुराना मंजर आपको देखने को मिल रहा है, और पिछले साल आपने देखा था किस तरह से भारी तबाही मचा था इस क्षेत्र में, और ख़ासकर भूटान के अंदर पासाका क्षेत्र में कितना तबाही मचा था। क्या इस साल भी वैसा ही कुछ होने वाला है? ये केवल शुरुआत है, बारिश का दिन केवल अभी शुरुआत हुआ है, और आने वाले दिनों में ये संकट और बढ़ने का आसार देखा जा रहा है। जो दृश्य देखा जा रहा है आप सभी के समक्ष हम लोग दृश्य साझा कर रहे हैं। एक बार फिर से भारत भूटान सीमांत जयगांव पासाका बॉर्डर पे एशियन हाईवे पे खतरा मंडराने लगा है, सड़कों से पानी बहने लगा है, और ग्रामीण वासी काफ़ी चिंतित है। अगर इसी तरह से लगातार बारिश होती है तो निश्चित तौर पे खोखला बस्ती गांव पूरी तरह से खतरे में चला जाएगा, क्योंकि गांव का जो क्षेत्र है काफ़ी निचले हिस्से में है यहाँ, और एशियन हाईवे जो है काफ़ी ऊंचे स्थान पे है, तो काफ़ी भय का माहौल इस समय देखा जा रहा है। अगर समय रहते कुछ कार्य नहीं होता है तो इस बार खोखला बस्ती को काफ़ी खतरा हो सकता है। आप सभी के समक्ष हम लोग दृश्य साझा कर रहे हैं, और आशा यही करते हैं कि प्रशासन जो है उचित कार्य करेगी और बचाव के लिए जो हर संभव कार्य किया जाएगा, अन्यथा ये बारिश का दिन फिर से वापस आया है, खतरे का घंटी बज चुका है, एक बार फिर से सड़कों से नदियां बहने लगी है, और आशा यही करते हैं कि उचित कार्य होगा, अन्यथा ये गांव जो है पूरी तरह से इस साल तबाह हो जाएगा। इस साल यही अपील के साथ इस समय यहां से अभी अलविदा लेना चाहेंगे, फिर किसी और क्षेत्र से आप सभी के समक्ष जुड़ेंगे। जय गौ मिरस के साथ जुड़ते रहिएगा। जय हिंद।